वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। हाय, मैं हूँ कृष्णा, कृष्णा कुक एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैंने एक कप, आधा कप और डेढ़ कप आटा ली हूँ, आधा चम्मच नमक, दो चम्मच तेल ली हूँ, मिला लेती हूँ। थोड़ा पानी डाल के नरम आटा लगाना है। पराठा का आटा लगा लिया है, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। मैं आधा कप सत्तू ली हूँ, इसमें मैं एक हरी मिर्च बारीक काट ली हूँ, इसको मैं डाल रही हूँ। अदरक को भी मैं बारीक काट ली हूँ, एक चम्मच इसको मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच अजवाइन ली हूँ, इसको मैं हाथ से क्रश करती हूँ। ये भून के लिया हूँ अजवाइन, ये है अचार का मसाला, इसको भी मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा गीला ना हो और ज्यादा सूखा भी ना हो, इसे मैं इतना ही पानी डाली हूँ। रखना है जैसे मुट्ठी कर रहे हूँ, तो इसे है। मैं आटा को एक बार गूंथ लेती हूँ, हाथ में थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, इसे थोड़ा मसल लेती हूँ। बेल लूंगी, सूखा आटा में बदल लूंगी। इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लूंगी, स्टफिंग को सत्तू को मैं
फैला दूंगी। मैंने 1.5 चम्मच स्टफिंग दी हूँ। अब मैं इसको यहाँ तक दे दूंगी, इसको ऐसे। इसको मैं ऐसे करूंगी, ऐसे अच्छे से बंद कर दूंगी चारों तरफ। बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा। इसको मैं बड़ा कर लिया हूँ, पतला, ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। दोनों तरफ सेक चुका है, इसको प्लेट में डाल लेती हूँ। पराठा बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी घर पर बनाइए। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए।